सिवान में सुबह सुबह नमाज पढ़ने के पूर्व एक व्यक्ति को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। सुबह सुबह सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिवान जिले के सिसवन थाना क्षेत्र के गयासपुर गांव में नमाज पढ़ने जा रहे एक व्यक्ति को बेखौफ अपराधियों ने गोली मार दी है। युवक नमाज पढ़ने जा रहा था, तभी बीच रास्ते में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। जिस व्यक्ति को गोली लगी उसका नाम इजहार खान बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा सबसे पहले उनको सिसवन के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रथम उपचार के बाद सिवान सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं सदर अस्पताल में गंभीर स्थिति को देखते हुए फिर पटना भी रेफर कर दिया गया है। यह युवक सुबह सुबह मस्जिद पर नमाज पढ़ने जा रहा था, तभी अपराधियों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम देकर बिल्कुल आसानी से रफू चक्कर हो गए हैं। अपराधियों का हौसला इस कदर बुलंद हो गया है कि सुबह सुबह रास्ते पर चल रहे व्यक्ति को गोली मारकर दिन के उजाले में फरार हो जाना प्रशासन पर बहुत ही बड़ा सवाल या निशाना खड़ा हो रहा है। वहीं इस घटना के बाद सिसवन थाने की पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। वहीं समाज सेवी श्रीनिवास यादव ने बताया कि कल दोपहर भी एक जिला परिषद पति को गोली मार दिया गया, वहीं आज सुबह सुबह फिर एक व्यक्ति को गोली मार दिया गया। इस पर प्रशासन को कठोर कदम उठाना चाहिए। दिन हो या रात, आसानी से अपराधी अपना तांडव दिखाकर चले जा रहे हैं और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रह रही है। हालांकि इजहार खान को गोली क्यों लगी है इसकी खुलासा अभी तक नहीं हो पाई है। वह इस घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि जो भी अपराधी थे पहले से घात लगाकर बैठे हुए थे और अपराधियों को पता था कि इस व्यक्ति इसी रास्ते से जाएगा, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आए थे और जैसे ही कि देखा गोलियों की बरसात करना शुरू कर दिया। जिला प्रशासन अपराधी घटनाओं पर अंकुश लगाने में विफल दिख रही है और लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और अपनी वारदातों का अंजाम देकर भाग जा रहे हैं। अपराधी रोजाना जिले में पुलिस को चुनौती दे रहे हैं और अपराधियों के सामने पुलिस विवश दिख रही है। तो फिर से बता दें कि बड़ी खबर सिवान जिले से आ रही है, जहां सिवान में एक बार फिर अपराधियों ने अपना जलवा बिखेरते हुए एक व्यक्ति को गोली मारकर बिल्कुल आसानी से फरार हो गए हैं। जिस व्यक्ति को गोली लगी है उस व्यक्ति का हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, उन्हें सिवान से पटना के लिए रेफर कर दिया है। वहीं इस मामले में सिवान के चर्चित रईस खान का भी नाम सामने आया है। तो बड़ी खुलासा सबसे पहले एवन न्यूज कर रहा है, जहां इस गोलीबारी में रईस खान का भी नाम सामने आ रहा है कि रईस खान के भाई ने इस घटना को अंजाम दिया है।